आज की क्लास में मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यहाँ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देख रहे हैं। जो आपने बायोटेक्नोलॉजी अभी तक सीख रखा है उसको अप्लाई करके आप कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि अगर इंसुलिन की बात की जाती है तो इसका नेचर कैसा है। अगर आप इसके नेचर की बात करते हैं तो ये प्रोटीनेशियस है। अगर इंसुलिन के नेचर की बात करी जाती है तो कैसा है, ये प्रोटीनेशियस है। प्रोटीनेशियस है, कैसा है ये प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जितने हॉर्मोन्स प्रेजेंट हो उन सबका नेचर प्रोटीनेशियस हो। अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं, लेकिन इंसुलिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर ये है कि ये प्रोटीन का बना होता है, बाकी सबका अलग अलग होगा। कुछ स्टेरॉइडल होंगे, कुछ किसी और नेचर के होंगे। अब दूसरी चीज ये है कि जब इस इंसुलिन की बारी आती है तो यहाँ पे आपको साफ सीधी सी एक बात दिखती है। ठीक है, जब सिर्फ इंसुलिन के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, किसके बारे में, ओनली इंसुलिन के बारे में, देखिए तभी तो आप सीखेंगे ना कि कंपनी में इसको बनाएंगे कैसे। इंसुलिन ये जो है, इंसुलिन ये एक प्रोटीन है, वो तो खैर लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको अभी इस डायग्राम में, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो आपको जो फील हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक एक चेन है, एक्चुअली वो एक चेन नहीं है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली टू चेन्स अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, एक नहीं है बल्कि ये दो चेन है, जिसमें से एक को ए चेन कहते हैं हम लोग। एक को क्या कहते हैं, ए चेन कहते हैं, और दूसरे को बी चेन कहते हैं। और ये सी पेप्टाइड जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आपको बनाना है किसी कंपनी में, अगर आपको इंसुलिन बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको पहले ये चेन ए बनाना है, उसके बाद ये चेन बी बनाना है, और देन ये चेन ए और चेन बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक करना है आपको। लिंकिंग ऑफ टू चेन्स बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। पूछा जाता है विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू चेन्स ऑफ इंसुलिन या टू प्रोटीनेशियस चेन्स ऑफ इंसुलिन। आंसर क्या लिखा जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। क्योंकि आपको ऑप्शंस में कुछ भी दिया जा सकता है, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, तो वहां पे आपको इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड को मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप यही लिख लीजिए कि इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स। इंसुलिन, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ टू चेन, दो चेन का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ टू चेन। अब ये जो दो चेन है इसके, दैट इज चेन ए एंड चेन बी, ए चेन एंड बी चेन। आसान है, ठीक है, बहुत सिंपलीफाई करके बता रही हूं। एक हो गया चेन ए और दूसरा क्या है आपके पास, चेन बी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये चेन ए और चेन बी जो है, ठीक है, तो आप एक चीज जब नोटिस करेंगे ना, तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी इस इमेज में, इस डायग्राम में। ठीक है, क्या, चेन ए का लेंथ चेन बी के लेंथ से कम है। चेन ए का जो लेंथ है वो चेन बी के लेंथ से कम है। रीजन ये है, ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि
चेन ए के पास सिर्फ 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन ए कंटेन्स 21 अमीनो एसिड्स, चेन ए कंटेन्स 21 अमीनो एसिड्स, इसके पास 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जब चेन बी की बात आती है, इसके पास 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स, इसके पास क्या होता है, 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम टोटल का काउंट करें तो ये 30 प्लस 21, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो 51 आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि इसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकाला, इंसुलिन कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स। अच्छा, ये 51 कैसे हुआ? तो ये 51 ऐसे हुआ कि आपने यहाँ पे 30 के साथ 21 को ऐड किया है, तो 51 तो होगा ही होगा। अब क्वेश्चन रियलाइज होता है, जब यहाँ पे ये एक सी पेप्टाइड जुड़ा होता है इसके साथ, जब हम लोग पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा, ऐसे समझिए कैसे बनता है, एक नॉर्मल सा हमने सबसे पहले प्रोटीनेशियस चेन बना लिया यहां से यहां तक, ठीक है। अब बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सी पेप्टाइड का पोर्शन है, इस स्ट्रेच को, एक्स्ट्रा सी स्ट्रेच को हम लोग यहां से काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचा ये चेन ए और चेन बी, इसको फिर ऐड कर देते हैं हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। तो ये 51 है, और जब इसके प्रो हार्मोन के साथ, तो इसका नाम प्रो इंसुलिन होता है, पहले जब इसके साथ सी पेप्टाइड जुड़ा होता है, मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप चेन ए, चेन बी और सी पेप्टाइड सबको एक साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, तब एक्चुअली उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम प्रो हार्मोन होता है, या उसको प्रो इंसुलिन बोला जाता है। मतलब इंसुलिन जब बना था उसके पहले भी क्या तैयार होता है, प्रो इंसुलिन तैयार होता है, ठीक है। तो टोटल जब ये कैसे फॉर्म में है, जब ये प्रो हार्मोन ये इनएक्टिव होता है उस फॉर्म में, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में जब ये होता है, तब इसके पास टोटल 74 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो मैं इसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो इतना होने के बाद आपके नीट का एक भी क्वेश्चन इस इंसुलिन के टॉपिक से मिस नहीं होगा, फिर फटाफट हम लोग बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि इंसुलिन जो है ये बनता कैसे है ना। तो अभी एक बेसिक पॉइंट जो है वो लिख लीजिए, इंसुलिन इज डिराइव्ड, इंसुलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंसुलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ 74 एमिनो एसिड, 74 अमीनो एसिड प्रो हार्मोन मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रो इंसुलिन। हो गई, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई हो गई। और उसके बाद आपको लास्ट में करना क्या है, काम क्या बचा आपके पास, आपको ये चेन ए और चेन बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐड कर देना है। तो इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए,
चेन ए, द ए एंड बी चेन्स, ए एंड बी चेन्स आर जॉइंट, आर जॉइंट और लिंक्ड, जॉइंट और लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर बाय टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गया बस। ये किससे जुड़ा होता है, तो आपने इंसुलिन की पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में यहां से सीख ली, ठीक है। कैसे बना होता है, कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है, ये नेचर क्या होता है इसका, तो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ जाएंगी। एक मिनट, वो नीचे वाली लाइन कट हो रही थी ना, उसी को सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा तो अभी भी कट हो रहा है, हाँ थोड़ा दिख रहा है अभी। चलिए हो गया, ये आपको समझ आ गया पूरे तरीके से कि इंसुलिन है क्या, स्ट्रक्चर क्या है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ भी इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोलने का मतलब है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ए चेन ऑफ इंसुलिन 21। देखिए क्वेश्चन मैं फटाफट यहां से रिकॉल कर देती हूँ। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ए चेन ऑफ इंसुलिन, क्या होगा आंसर 21। इन बी चेन 30। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन 51। विच बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू चेन्स ऑफ इंसुलिन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। नेम द इनएक्टिव हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी, प्रो इंसुलिन। ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेम द टू चेन्स ऑफ इंसुलिन, चेन ए एंड चेन बी, है ना। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन, 74 अमीनो एसिड्स, 74 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 7 क्वेश्चन हुए, आगे देखिए। तो नेम दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन, तो सी पेप्टाइड वहां पे आपको मार्क करना है। किसको मार्क करना है, सी पेप्टाइड मार्क करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड। मैंने आपको पूरा समझा दिया, याद भी हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, आगे देखिए। अब हमें इसका प्रोसेस देखना है कि आखिर ये बना कैसे है, इंसुलिन जो है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, कैसे ये कंपनीज में बनाया गया, ठीक। बहुत आसान है ये, क्योंकि आपने समझ लिया तो आगे मुझे समझाना इसको आसान है। देखिए अगर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है, इसके ऊपर। यहाँ भी सेम वही कहानी आपको समझाई जा रही है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पहले जब ये पूरा कनेक्टेड है, पूरा जब ये एक चेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तब ये उस टाइम क्या है, प्रो इंसुलिन है। लेकिन इसमें से जब ये जो ग्रे कलर का पार्ट है, दैट इज फ्री सी पेप्टाइड, इसको जब कट करके यहाँ से रिमूव किया जाता है, इसके पास दो चेन है, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए कंटेन्स 21 अमीनो एसिड्स, वाइल चेन बी कंटेन्स 30 अमीनो एसिड्स। आपने सारी कहानी इसकी सीख रखी है, ठीक है। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये मुझे अब आपको याद कराने की जरूरत नहीं, आपको पता है इंसुलिन इज मेड अप ऑफ टू चेन्स, फर्स्ट चेन इज चेन ए एंड सेकेंड चेन इज चेन बी, दैट आर लिंक टूगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। आप सब पहले लिख चुके हैं, ठीक है। मैमल्स के केस में क्या होता है, अगर हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके देखें, तो इंसुलिन जो है वो ऐसा नहीं है कि सीधा इस एक्टिव फॉर्म में बनेगा। सबसे पहले क्या होता है, ये एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में बनता है, जैसे कोई प्रो एंजाइम हमारी बॉडी में होता है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग के टाइम में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे फाइब्रिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए,
तो सबसे पहले ये फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में होता है। तो फाइब्रिनोजेन जो था ये इनएक्टिव फॉर्म में था, और फाइब्रिनोजेन को पहले फाइब्रिन में कन्वर्ट, तो फाइब्रिनोजेन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोएंजाइम बोलते हैं, याद आया। तो वही कहानी आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे एंजाइम के केस में पहले प्रोएंजाइम बनता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ इंसुलिन के केस में क्या कहानी चल रही होती है कि पहले ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, फिर बाद में ये एक्टिवेट होता है। कब? जब आप इसके सी पेप्टाइड को यहाँ से काट के एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसको जरूरत है किस चीज की, कि ये अच्छे तरीके से प्रोसेस डो, प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच को यानी सी पेप्टाइड को कट करके निकालना है। एक्स्ट्रा स्ट्रेच इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, और मैच्योर इंसुलिन में कभी भी सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता, ये कॉमन सेंस है, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है कि अगर मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे सी पेप्टाइड की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अगर आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे छोटा सा जो आर डीएनए लिखा है ना, तो आप समझ जाइए इसको, अब क्या है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंसुलिन को असेंबल किया गया मैच्योर फॉर्म में, और ये सबसे पहले 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें इसको बनाया गया। ठीक है, मतलब दो स्ट्रेच तैयार करके उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। तो ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई, अब आप समझ रहे हैं क्या कहानी बोली जा रही है, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। और इस तरीके से कमर्शियल स्केल पे इसको बनाया जाने लगा, और चेन ए और बी जो है वो सेपरेटली इसको क्या किया गया, पहले बनाया गया फिर उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, बस यही कहानी है इसकी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ इक्का दुक्का पॉइंट लिखूंगी, बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखूंगी। अब यहाँ पे नेचर मैंने क्या लिखा था कि प्रोटीनेशियस है। ठीक है, इसके पास टोटल कितने चेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये कितने चेन्स कैरी करता है, टू, या ऐसे लिख देती हूँ, यहां से कर देती हूँ, टू। प्रोटीनेशियस है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग उसके लिए, टू पॉली पेप्टाइड, टू पॉलीपेप्टाइड चेन, पता है आपको, जिसमें आपने क्या सीखा है, चेन ए, चेन ए एंड चेन, चेन ए एंड चेन बी। ठीक है, और अमीनो एसिड्स वगैरह मैं लिख चुकी हूँ प्रीवियस पेज पे, तो उतना नहीं टाइम वेस्ट करूंगी मैं, बस चेन ए एंड चेन बी दो यहाँ पे शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के ये बने होते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज चेन ए एंड चेन बी, चेन बी आर जॉइंड, चेन ए एंड चेन बी आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, देन क्या है, आगे लिखिए, इन ह्यूमंस, मतलब ज्यादातर मैमल्स में। ठीक है, यानी कि मैमल्स में क्या होता है, ये एक प्रो हार्मोन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, एज प्रो हार्मोन। देन
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सी पेप्टाइड को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल इंसुलिन या फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड को हाईलाइट कर देती हूँ। सी पेप्टाइड ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोहार्मोन, फ्रॉम प्रोहार्मोन। चलिए हो गया, ये इसको प्रो हार्मोन से रिमूव कर दिया जाता है। एक ही लाइन रह रही है ये एली लिली कंपनी वाली, तो थोड़ा छोटा करूं क्या मैं, देखती हूँ शॉर्ट में वन लाइन लिखूंगी बस। हाँ इसके ऊपर करती हूँ, आगे लिख लीजिए। अमेरिकन अमेरिकन कंपनी नाम क्या है इसका, एली लिली, ई एल आई एल आई एल एल वाई, अमेरिकन कंपनी एली लिली कब किया ये, 1983 में, बहुत पहले का नहीं है, बहुत प्रीवियस टाइम नहीं है ये, 1983 प्रिपेयर्ड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए ब्रैकेट में लिख लीजिए, टू स्ट्रैंड्स एंड जॉइंड देम एंड जॉइंड एंड जॉइंड प्रोड्यूस लिखना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए सीधा, तो सीधा डीएनए को तो जोड़ेंगे नहीं ना, डीएनए आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, तो ये इनडायरेक्ट वे में हम लोग बोल रहे हैं, एंड जॉइंड प्रोड्यूस्ड ए एंड बी चेन्स, ए एंड बी चेन्स बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब हो गया ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आसान है, कुछ है नहीं इसमें,
एक बार इंसुलिन का स्ट्रक्चर जिसको समझ आ जाता है उसके लिए सारी चीजें आसान है। आगे चलते हैं। आप देखिए ये पेज नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज जीन थेरेपी। टॉपिक है आपके पास जीन थेरेपी। पहले मैं उसको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जीन थेरेपी, ये एक यूनिक टेक्निक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जीन थेरेपी जो है काफी यूनिक है अपने आप में। अगर आप ऐसा केस सोचे जहां पे कोई न्यूबॉर्न इन्फेंट है, ठीक है, उसको एक ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज हो रही है जिसमें उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में एडिनोसिन डी एमिनेज, कहानी समझिएगा पहले, उसके बाद चीजें वैसे भी आसान हो जाती है। एडीए डेफिशिएंसी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। तो टॉपिक है आपका जीन थेरेपी। टॉपिक क्या है, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ठीक है। अब इस जीन थेरेपी में क्या है, जीन थेरेपी में करना क्या है, ये एक हेरेडिटरी डिजीज है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जीन, मतलब जीन थेरेपी में अगर हम एक एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी को देखते हैं तो जीन थेरेपी किसके लिए किया जाता है, हेरेडिटरी डिजीज के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। और थेरेपी का मतलब है कि आप वहां पे बहुत सारे मेथड्स को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। थेरेपी का मतलब ही है कलेक्शन ऑफ मेथड्स। तो जीन थेरेपी क्या है एक्चुअली, अगर जीन थेरेपी के बारे में आपसे पूछा जाए तो जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी इज रेफर्ड एज, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इज रेफर्ड एज, रेफर्ड एज कलेक्शन ऑफ मेथड्स, यानी बहुत सारे मेथड्स को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक मेथड का यूज किया और उससे बिल्कुल आप करेक्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कब अप्लाई किया गया था, इसको फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 1990 में, 1990 में एक 4 साल की जो लड़की थी उसके ऊपर किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहली बार ये कब किया गया, 1990 में 4 साल की लड़की थी, ठीक। इसको क्या बीमारी थी, अगर आपके दिमाग में क्वेरी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्यों किया गया, क्या दिक्कत थी उसको, क्या परेशानी थी उसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, डेटा नोट करते चलिए, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, जीन थेरेपी ये किया गया है 1990 में, 1990 में, ठीक है, टू अ 4-year-old, टू अ 4-year-old गर्ल। इसको बीमारी क्या थी, ये जो 4-year-old गर्ल है इसको ये प्रॉब्लम थी इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में एडीए डेफिशिएंसी थी। इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी, एडीए
डेफिशिएंसी मतलब कमी है किसी चीज की, एडी डेफिशिएंसी। अच्छा, एडी डेफिशिएंसी का क्या मतलब है? एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी थी इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये करता क्या है? किसी भी चीज के पीछे एएसई लगा हो, मतलब डी एमिनेज, दैट मींस कि एंजाइम बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। तो रोल ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज ऐसे करके मैं लिख देती हूँ। आपके दिमाग में ये क्वेरी आ रही होगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडिनोसिन एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, ठीक है। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये बहुत जरूरी है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज के लिए? आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर वर्क कराने के लिए। इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम टू वर्क एफिशिएंटली। टू थोड़ा हैंग कर रही है। इम्यून सिस्टम टू वर्क एफिशिएंटली। टू वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। कहानी आपको समझ आई? क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको 1990 में, 1990 में एक 4 साल की लड़की के ऊपर अप्लाई किया गया। क्यों अप्लाई किया गया? उसको एडिनोसिन डी एमिनेज नाम का जो एंजाइम है उसकी कमी थी। क्या हुआ? उसकी कमी हो गई तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एक छोटा मोटा भी इन्फेक्शन होगा ना, तो उसकी डेथ हो सकती है। उसकी बॉडी में उस इन्फेक्शन से उसको बचाने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन को एडिनोसिन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि ये वैसे जीन के डिलीशन की वजह से होता है जिसको एडिनोसिन डी एमिनेज को कोड करना है। आपने क्योंकि पहले पढ़ रखा है म्यूटेशन क्या होता है तो आपको पता है। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे, कॉज ऑफ, कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है, इट अकर्स ड्यू टू दिस डिसऑर्डर, अकर्स ड्यू टू ड्यू टू द डिलीशन, द डिलीशन, गायब ही हो गया वो जीन बिल्कुल, ठीक है। डिलीशन ऑफ द जीन, डिलीशन ऑफ द जीन विच कोड्स, विच कोड्स
कोड्स एडिनोसिन विच कोड्स एडिनोसिन डीएमिनेज विच कोड्स एडिनोसिन डीएमिनेज, बस हो गया ही। तो अब होता ये है, हाँ बहुत ज्यादा अगर कोई एडल्ट एज में पहुंच गया तो ये इम्पॉसिबल है, अगर इसको क्योर करना है तो डायग्नोसिस के थ्रू अगर पता चल चुका है तो उस केस में एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने का एक ही तरीका है, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, साफ लिखा गया इन सम चिल्ड्रन, मतलब अगर किसी चिल्ड्रन में आप इसको क्योर करने का सोचते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या कहते हैं हम लोग, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। कितना इंजेक्शन कोई लेगा, तो इसका कोई परमानेंट क्योर तो हुआ नहीं, लेकिन दोनों के साथ क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट क्योर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, अ फंक्शनल एडीए, अब यहाँ पे सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, आपने बनाया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए किसको बोला जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। अब आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आया, मैं एक बार पेज लेके समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, इसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाला गया, लिम्फोसाइट्स जो है इसकी बॉडी से निकाला गया, यहाँ पे एक कल्चर मीडियम में क्या किया जा रहा है, इसके लिम्फोसाइट्स को ग्रो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसके लिम्फोसाइट्स को ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, लिम्फोसाइट्स को निकाला, और कल्चर में आउटसाइड द बॉडी का मतलब होता है इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। और इन लिम्फोसाइट्स के बीच में, इन लिम्फोसाइट्स के बीच में सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, जो फंक्शनल लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, जो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने का काम करते हैं, उसको इन सब के बीच में जगह दे दी जाती है। कैसे, ये कैसे बनेगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो था तो वो जब कोड करेगा तो उसके लिए वैसा लिम्फोसाइट बनेगा, वापस जब ये लिम्फोसाइट, अब ये अच्छा हो गया तो इसको फिर वापस इसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो पेशेंट बोलेगा अच्छा अब मेरी बॉडी में मुझे क्या मिल गया, मुझे एडिनोसिन डीएमिनेज मिल गया, जिससे कुछ टाइम तक ये इम्यून सिस्टम को अपने बचा के रख सकता है, ठीक है। और फिर पेशेंट को ये दे दिया गया, हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इट कुड बी ए परमानेंट क्योर। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये परमानेंट क्योर तब हो सकता है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको क्या किया जाए, क्योर किया जाए, बाकी उसके पहले कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे कुछ भी कीजिए, आपको क्या करना है, इंजेक्शन देना है या कुछ भी करना है, तो वो सब क्या है, फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है वहां पे। चलिए हो गया, ये इस पेज को नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ रही हूं मैं, नेक्स्ट क्या है, इन चिल्ड्रन एडीए क्योर मेथड क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर चिल्ड्रन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये भी गारंटी नहीं देगा इस चीज की कि क्या है ये कोई परमानेंट क्योर है, परमानेंट क्योर तो है नहीं। और एक दूसरे टेक्निक में आपने क्या सीखा, ये सीखा कि इसका जो ऑल्टरनेटिव क्योर है दैट इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ट्रांसफ्यूजन, लिम्फोसाइट ट्रांसफ्यूजन पेरियोडिकली, क्योंकि परमानेंट क्योर तो है नहीं, उसको बार बार तो देना ही पड़ेगा पेरियोडिकली। लिख लीजिए इसको, आगे देखिए। अगर आपको इसके लिए ये जो आप लिम्फोसाइट ट्रांसफ्यूजन पीरियोडिकली इसके लिए इस स्टेप के लिए आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इसको शॉर्ट स्टेप्स के फॉर्म में स्प्लिट करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे कर लीजिए। देखिए एक बॉक्स में बना देती हूँ, उसके अंदर कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें, फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टेप वन, थोड़ा हैंग कर रहा हूँ, स्टेप वन इसमें लिख लीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ, एक्सट्रैक्शन मतलब आप निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फो साइट्स फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, फ्रॉम द पेशेंट्स, पेशेंट्स बोन मैरो, बोन मैरो पहले ये किया आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसमें से रिमूव कर लिया, ठीक है। स्टेप टू देन लिखिए ऐसे करके, स्टेप टू स्टेप टू में क्या किया आपने, अब क्योंकि आपने क्या किया बाहर निकाला है, तो अ फंक्शनल जीन, अ फंक्शनल जीन उसी लिम्फोसाइट में मिक्स करेंगे ना आप, अ फंक्शनल जीन फॉर एडीए, फॉर अ फंक्शनल जीन फॉर एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिम्फोसाइट्स, जो आपने निकाला है उसी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, इनटू लिम्फोसाइट्स, लिम्फो साइट्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, रेट्रो
वायरस इसी से एंटर कराते हैं। स्टेप थ्री में लिखिए, देन स्टेप थ्री इज दीज ट्रीटेड। ये आपने जो ट्रीटमेंट यहां पे करा है ना, इसकी बात की जा रही है। ये मैं लिख रही हूं यहां पे, दीज ट्रीटेड, दीज ट्रीटेड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स कंटेनिंग ADA, कंटेनिंग ADA जीन्स आर देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट, इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो, पेशेंट्स बोन मैरो। बस हो गया, ये छोटी सी तो टेक्निक है ये, है ना। पेशेंट्स बोन मैरो में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कंक्लूजन के तौर पे अगर हम लिखें, ऐसे कंक्लूजन कर देते हैं, क्योंकि आपने अब ऐसा दे दिया है कि ये खुद एक्टिव होके वहां पे काम कर सके, है ना। तो आगे लिखिए, दस द जीन, द जीन गेट्स एक्टिवेटेड producing functional functional T lymphocytes T lymphocytes आपको याद होगा, जिसके बारे में मैंने बहुत explanation दे रखी है आपको, जब मैं हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ा रही थी, तो वहां मैंने आपको लिम्फोसाइट्स के टाइप पढ़ाए थे। तो ये टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड एक्टिवेटिंग द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, एक्टिवेटिंग द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। जो आपका टारगेट था आपने कर लिया यहां पे, पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। तो ये आपने यहां तक सीखा। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक पॉइंट जो कि चलिए जितना बड़ा मैंने बॉक्स लिया था उसमें ये आ गया है, ये आपने नोट कर लिया होगा। और परमानेंट क्योर अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कोई तरीका नहीं है, ये हमेशा करते रहिए बैठे बैठे, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं,